हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक अगेन इन योर सोशल स्टडीज क्लास। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं शुरू करने जा रही हूँ आपके लिए फिर से एक नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, अर्ली स्टेज एंड न्यू आइडियाज। आई होप आपने प्रीवियस चैप्टर जो कि हमने पढ़ा था वैदिक एज के बारे में अच्छे से रिवाइज किया हो। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, अर्ली स्टेज एंड न्यू आइडियाज। हेलो माय डियर लर्नर्स, अब हम देखेंगे कि इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। द जनपद एंड द महाजनपदास ऑफ मगध बुद्धिज्म, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, लाइफ इन महाजनपदास, राइज ऑफ न्यू आइडियाज, जैनिज्म, इन्फ्लुएंस ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। हियर डियर लर्नर्स, सो दीज आर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न हियर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 600 BCE टू 400 BCE। माय डियर लर्नर, इन प्रीवियस क्लास मैंने आपको बताया था कि आपको ये डेट रिमाइंड करनी होगी, आपको प्रॉपर ये डेट का एक चार्ट पेपर अपने सामने बना के रखना होगा, सो दैट आपके लिए डेट रिकॉल करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाए। क्योंकि हिस्ट्री जो है वो एक अलग का टॉपिक नहीं है, हिस्ट्री जो है वो आपस में कंबाइन है। एक चैप्टर जो आप पढ़ते हो, सपोज आपने वैदिक एज पढ़ा, तो अब इसके आगे जो आप न्यू सिटीज पढ़ रहे हो और इसके बाद जो चैप्टर पढ़ोगे वो सब आपस में कंबाइन है। क्योंकि हम एक सीरीज ऑफ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि पहले ये था, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, अब हम ये पढ़ रहे हैं। तो इसी तरह से आपको रिवाइज करना होगा प्रॉपरली विद डेट। नाउ 600 BCE से 400 BCE से एक इंडिया जो है वो फ्यू पावरफुल किंगडम्स एंड रिपब्लिक में इंडिया में देखा गया। द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, यानी कि बुद्धिस्ट और जैन ऐसे लिटरेचर्स हैं जो चीफ सोर्स हैं इस इंफॉर्मेशन के। सम इंफॉर्मेशन हैज ऑल्सो बीन गेन फ्रॉम द एक्सकवेशन, कुछ खुदाई हुई उससे भी कुछ इंफॉर्मेशन हमें इस जगह के, यानी इस पर्टिकुलर जो जनपद है महाजनपद के बारे में हमें पता चला। किससे पता चला? जैनिज्म और बुद्धिज्म लिटरेचर से, कुछ एक्सकवेशन से। नाउ हियर यू कैन सी दीज आर महाजनपदास, ये सारे आपको महाजनपदास बच्चों दिए गए हैं, इनके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। The Janpadas and the Mahajanpadas. The Aryans cleared the thick forest of the Indo-Gangetic plain with the help of iron tools and brought more land under cultivation. Aryans ने क्या किया? Aryans ने जो जंगल थे, घने जंगल थे, उनको काटना स्टार्ट कर दिया और जो Indo-Gangetic जगह थी, जो उसके प्लेन्स को अच्छे से फाइंड आउट किया ताकि और पॉपुलेशन और सिविलाइजेशन और कल्टिवेशन वहां हो सके। इसी तरह से जैसे जैसे ये चीजें, जंगल साफ हो रहे थे, सिविलाइजेशन बस रहे थे, वैसे ही वहां स्टार्ट हो गए आपके कुछ सेटलमेंट्स। ईच दीज सेटलमेंट्स बिकेम परमानेंट, और ये सेटलमेंट्स आपके परमानेंट हो गए। ईच ऑफ दीज सेटलमेंट्स यूजली कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल जना और ट्राइब। एज यू लर्न इन द लास्ट चैप्टर में बच्चों हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि कैसे जो जना और ट्राइब थे वो एक फैमिलीज को मेन फाउंड करते थे, जिनको हम कुलास बोलते थे। दीज ट्राइबल सेटलमेंट्स वर द फर्स्ट स्टेट्स, दे वर कॉल्ड जनपदास, एंड द जनपदास वर रूल्ड बाय राजन और चीफ्स। सो ये वैदिक एज में ये सारी बातें हमने पढ़ी, लेकिन अब क्या हो गया? द राजन्स फाउट अमंग देमसेल्फ फॉर कंट्रोल ओवर लैंड। Whoever controlled the largest territory was considered the most powerful. Okay, अब क्या हुआ? अब जो राजन्स थे वो आपस में लड़ाई करने लगे, और जिनके ऊपर ज्यादा कंट्रोल था जिस टेरिटरी का, उसे हम बहुत ही ज्यादा पावरफुल मानने लगे। और जो पावरफुल स्टेट जो इमर्ज हुआ, जो लोगों को हरा के जिनके राजा ने एक पावरफुल स्टेट इमर्ज किया, उसे हम महाजनपदास के नाम से जानने लगे। हेयर इनसाइड उपनिषद लिटरली मीन्स, उपनिषद का लिटरली अर्थ होता है बच्चों अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, यानी कि पास आके बैठना। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अंग उत्तर निकाय एंड दिगंबर निकाय बाय अराउंड 600 BCE देयर वॉज 16 महाजनपदास। हाउ मेनी? 16 ऑफ दीज। इनमें से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो एमर्ज पावरफुल हुए, वो आपके थे बच्चों मगध, एमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल ऑफ, और अदर थे आपके अवंती, वत्स एंड कौसला। अमंग दीज महाजनपदास सम वर किंगडम्स व्हाइल अदर वर रिपब्लिक्स। नाउ लाइफ इन महाजनपदास, अब महाजनपदास में लाइफ कैसे होती थी? उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो राजा करता था।
किंग जो होता था वो हेड ऑफ द जनपद होता था. द किंग वुड ऑफन नॉमिनेट हिज सक्सेसर ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. कभी कभी जीवित रहते ही वो बता देता था कि मेरे मरने के बाद, मेरे जाने के बाद ये इंसान जो है वो राजगद्दी पर बैठेगा. देयर वॉज अ पब्लिक असेंबली, काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स. पब्लिक असेंबली होती थी, काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स होते थे, पुरोहित होते थे, अमात्यास जो कि मिनिस्टर्स होते थे जो कि किंग को गाइड करते थे. द हेडमैन ऑफ विलेज वॉज नोन एज ग्रामिनी. जो हेडमैन विलेज का था उसे ग्रामिनी कहते थे. और हेड ऑफ द विलेज वर फ्री टू सी द किंग. नाउ पॉलिटिकल कंडीशंस कैसे हुआ करती थी? मोस्ट महाजनपदास हैड अ कैपिटल सिटी. बहुत सारे जनपदास की कैपिटल सिटी हुआ करती थी जो कि फोर्टिफाइड थी, चारों तरफ से घेरा बंद की हुई गई थी. उनपे ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड थे, ब्रिक और स्टोन से उनको पूरी तरह से घेरा बंद फोर्ट्स बना के रखा गया था ताकि वो अलग दूसरे राजा, दूसरे किंगडम से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके. कुछ रूलर्स ने बहुत ही टॉल और इम्प्रेसिव वॉल्स बना रखी थी ताकि कोई भी उनकी पावर ऑफ वेल्थ को ना ले सके. इस वॉल्स को बनाते ही किंग जो है वो इजिली कंट्रोल कर पाता था लैंड और पीपल लिविंग इनसाइड दैट फोर्टिफाइड एरिया. नाउ द राजास नाउ बिगन टू मेंटेन रेगुलर आर्मी. अब राजा जो लोग वो क्या करते थे, वो रेगुलर आर्मी बनाते थे. सोल्जर्स को सैलरी दी जाती थी और जो रूलर्स थे वो क्या करते थे, वो लोगों से टैक्सेस कलेक्ट करते थे. और इसी टैक्सेस जो है फार्मर, क्राफ्ट पर्सन, ट्रेडर्स, हर्डर्स एंड इवन फ्रॉम हंटर्स ये टैक्सेस जो वो कलेक्ट करते थे. और 1/6 ऑफ देयर टैक्सेस जो है वो फार्मर को प्रोड्यूस करना रहता था. फार्मर सबसे ज्यादा टैक्स जो है वो प्रोड्यूस करते थे. पोजीशन ऑफ किंग जो थी, पोजीशन ऑफ किंग तो ऑब्वियस बात है वो सुप्रीम थी क्योंकि वही सारी चीजों को रूल करते थे. He was just like God. वो लोगों की नजर में भगवान की तरफ थे और उनका आदेश का पालन हर किसी को करना रहता था. चेंज इन एग्रीकल्चर. अब मेन ऑक्यूपेशन पीपल का क्या हो गया इस बार, एग्रीकल्चर हो गया. अब उससे जो रेवेन्यू आने लगा एग्रीकल्चर फ्रॉम इकोनॉमिक बैकबोन फॉर द मोनार्कल एंड रिपब्लिक स्टेट. जैसे कि हमने अपने पढ़ा कि 1/6 जो टैक्स है जो फार्मर से लिया जाता था क्योंकि एग्रीकल्चर ही मेन ऑक्यूपेशन था. एग्रीकल्चर अंडरवेंट टू मेजर चेंजेस अराउंड दिस टाइम. सो एग्रीकल्चर में दो चेंजेस हुए, वो कौन से थे? द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लग शेयर्स हेल्प इन प्रोड्यूसिंग मोर ग्रेन. आयरन प्लग शेयर्स होने लगे तो मोर ग्रेन होने लगी. हैवी क्ले सॉलिड कुड बी टर्न ओवर बेटर एन आयरन प्लग शेयर. द प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसप्लांटिंग पैडी केम इन टू असिस्टेंस. पैडी आ गए असिस्टेंस में. अंडर दिस सिस्टम सैपलिंग्स वर ग्रोन एंड देन प्लांटेड इन द फील्ड. सैपलिंग्स जो है वो उगा ली जाती थी उसके बाद तब वो फील्ड में प्लांट की जाती थी. Consequently, deer was a considerable growth in production. और production जो वो high level scale पे होने लगा था. Social और economical life कैसी थी? Here you can see the picture. Punch marted coins from Cochin. तो ये आपके coins का कुछ symbol दिया गया है. पहले हमने पढ़ा था कि seals होते थे exchange करने के लिए, लेकिन अब यहाँ coins start हो गए थे आना. किस period में? आपके जब वैदिक एज के बाद जो भी period आया, जब new cities form होने लगी. अगेन यहाँ भी सोसाइटी जो है वो आपकी चार वर्णा में डिवाइडेड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्यास. ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड कास्ट सिस्टम जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजिड होने लगा था, बहुत ही ज्यादा वो कठोर होने लगा था. एज द टाइम पास ऑन पीपल ऑफ लोअर कास्ट वर लुक डाउन. अब जैसे जैसे समय बीता रहा जो नीचे जात के लोग थे वो बहुत ही ज्यादा उदास और बहुत ही ज्यादा दुखी होने वो लगे थे. द मेन ऑक्यूपेशंस हमने पढ़ा कि मेन ऑक्यूपेशन जो कि एग्रीकल्चर था, जहां क्रॉप्स कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती थी, जहां की वीट, राइस, बार्ले, मिलेट, कॉटन एंड शुगर केन वर ग्रोन. विद इंक्रीज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पीपल बिगैन द प्रैक्टिस प्रिजर्विंग. अब लोगों ने इंक्रीज जैसे एग्रीकल्चर किया, उसको प्रिजर्व करना, उसको स्टोरिंग करना भी स्टार्ट कर दिया गया. द अमाउंट वॉज कॉल्ड सरप्लस. जो अमाउंट ज्यादा हो जाता था उसे हम सरप्लस कहते थे. डिफरेंट आर्ट एंड क्राफ्ट ऑल्सो फ्लरिश. इस टाइम पे क्राफ्ट एंड आर्ट ने भी काफी फ्लरिश किया. ट्रेडर्स ऑफ इंडिया ट्रेडेड अपॉन टू अफगानिस्तान. सो इंडिया के ट्रेडर्स जो है वो अफगानिस्तान से उन्होंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया. ट्रेडिंग एंड क्राफ्ट पर्सन मेड देयर एसोसिएशन कॉल्ड गिल्ड्स और श्रेनिश. द ट्रेडर मूव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इन कारावेंस. देन वी हैव इनसाइड देयर वर सेवरल फॉर्म्स ऑफ प्राकृतिक यूज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड नेम आफ्टर द रीजन इन विच दे वर यूज. फॉर एग्जाम्पल द प्रकृति स्पोकन इन मगध वॉज नोन एज मगधी. नाउ द मोस्ट पावरफुल जनपद विच इज नोन एज महाजनपदा दैट वॉज मगध. मगध बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट महाजनपदास बन गया था
उसके बहुत सारे ज्योग्राफिकल एडवांटेज थे क्योंकि द रिवर गंगा एंड स्नो फ्लो थ्रू इट, रिवर गंगा उसके पास थी और ऑब्वियसली बात है नदी के पास की जमीन बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होती है. दे वर ट्रांसपोर्टेड फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड वाटर सप्लाई. दे ऑल्सो मेड द लैंड फर्टाइल. दे वर आयरन एंड ओर माइंस इन द रीजन. इट कुड बी यूज टू मेक स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन्स. देन इन द फॉरेस्ट रेन ऑफ मगध, जो फॉरेस्ट एरिया था मगध का वो भी बहुत ज्यादा, वहां एलिफेंट थे और एलिफेंट जो है वो आर्मी के काम आते थे. फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड वुड फॉर बिल्डिंग हाउस एंड चैरियट्स एंड कार्ट्स. नाउ राइज ऑफ मगध, मगध का राइज कैसे हुआ? जब बुद्धा जो है वो प्रीच करते थे रिलीजियंस के बारे में, मगध बिंबिसार जो थे, आपके बिंबिसार पहले रूलर हुए. हु वाज द रूलर ऑफ मगध? बिंबिसार वाज द फर्स्ट रूलर. वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे जिन्होंने कम से कम 52 ईयर्स रूल किया. इधर आपको डेट दी गई है. उसके बाद बच्चों मगध टू ग्रेट हाइट्स और ग्रेट हाइट्स तक उसको पहुंचाया. उनके कैपिटल थे राजगिरा. बिंबिसार जिन्होंने शादी की अलायंस बनाने के मिलिट्री कॉन्फ्रेंस एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैंडर्ड हिज पोजीशन. ही मैरिड प्रिंस ऑफ कोसाला हु बॉट काशी मॉडर्न वाराणसी एज अ पार्ट ऑफ हर डायरी. तो दहेज में उन्होंने मॉडर्न वाराणसी बिंबिसार को दिया. ही ऑल्सो मैरिड प्रिंसेस ऑफ वैशाली. वैशाली और मद्र से भी उन्होंने शादी की ताकि उनकी जो अलायंस है वो और भी ज्यादा मजबूत हो सके. बिंबिसार ने अंग को भी कैप्चर्ड किया, चंपा को कैप्चर्ड किया और डिप्लोमेटिक रिलेशंस अवंती के साथ बनाए. बिंबिसार को डेथ कैसे हुई बच्चों? बिंबिसार को उसके खुद के बेटे अजात शत्रु ने ही उसको मार डाला. अजात शत्रु ने 32 इयर्स रूल किया. उसको बहुत ही क्रूअल किंग कहा गया और उसने क्या किया, बुद्धिज्म और जैनिज्म को सप्रेस करने की कोशिश की. उसने कैपिटल राजगिरा से हटा के पाटलिपुत्र कर दिया जो कि कहां सिचुएटेड है, एट द जंक्शन ऑफ रिवर गंगा, सरयू एंड सोन, टू फैसिलिटेट हिज वार ऑफ कॉन्टेस्ट. पाटलिपुत्र हैड अ नेचुरल बैरियर टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम इन्वेजन. जैन टेक्स्ट मेंशन दैट अजात शत्रु यूज टू न्यू वेपन्स. अजात शत्रु जो है वो नए वेपन्स को यूज करता था. ऐसा हमें कहां पता चला? हमें पता चला जैन टेक्स्ट में, जो कि मेंशन है जैन टेक्स्ट में. कैटेपल्ट एंड कवर्ड चैरियट स्विंगिंग मेज. तो जो था बहुत ही क्रूअल राजा था, वॉर में ज्यादा उसका दिलचस्प था. अब जो अजात शत्रु है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा. उसके बाद आ गई आपकी नंदा डायनेस्टी. अब नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर्स मगध के थे चंद्रगुप्त मौर्य, हु कॉन्कर्ड मगध एंड एस्टेब्लिश्ड द मौर्यन एम्पायर. सबसे पहले बिंबिसार, अजात शत्रु, फिर नंदा डायनेस्टी जिसमें धनानंद वगैरह आपके थे, और उसके बाद आपको किसने कैप्चर कर लिया उस जगह को? उस जगह को कैप्चर कर लिया मौर्यन डायनेस्टी के रूलर ने, चंद्रगुप्त मौर्य. तो अजात शत्रु इज पर्टिकुलरली रिमेम्बर फॉर, अजात शत्रु को किस लिए रिमेम्बर किया जाता है? उनके फर्स्ट कॉल द बुद्ध काउंसिल एक्ट, क्योंकि उन्होंने बुद्ध काउंसिल को पहली बार बुलाया था राजगिरा इन 1487 BCE बिफोर कॉमन एरा में. नाउ अ गना और संघा. अब गना और संघा क्या होता है बच्चों? वाइल मगध बिकेम अ पावरफुल किंगडम, वज्जी विद इट्स कैपिटल एट वैशाली, बिहार वॉज अंडर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गना और संघा. इन साइड द वर्ड गना रिफर्स रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच मीन्स गणतंत्र. ठीक है, तो गना मतलब गणतंत्र होता है बच्चों. तो इन गना संघा वर मेनी रूलर्स ईच प्रोटेक्टेड फ्रॉम ईच राजा. दीज राजा परफॉर्म रूचर्स टुगेदर, द मेट असेंबलीज एंड द टू डिसीजन इन इंपॉर्टेंट मैटर्स टुगेदर. वुमेन जो है वो डैसेस एंड द करमाराकर्स वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन दियर डिसीजंस, ओनली मेल आर पार्टिसिपेटेड. नाउ राइज ऑफ न्यू आइडियाज. न्यू आइडियाज के राइज के बारे में अब हम पढ़ते हैं. इन दिस पीरियड Brahmanism was the dominant religion. The Brahmins conducted all the rituals and ceremonies in Sanskrit, a language not understood by common people. The yajna or sacrifices were very expensive. The common people, especially the poor, felt sidelined and resented this. अब नया जो आइडिया क्यों जन्म हुआ, नए जो ये ब्राह्मणिज्म क्यों जन्म हुए बच्चे? इसलिए जन्म हुए क्योंकि लोग जो है बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे वर्ण सिस्टम से, कास्ट सिस्टम से, क्योंकि जो नीची जाति जो शूद्र थे, वैश्यास थे, उनका बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था और वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए थे क्योंकि उनको ज्यादा मात्रा में टैक्सेस भी देना पड़ता था और उनको बहुत सारी पायस चीजों से दूर रखा जाता था. Causes of rise of Jainism and Buddhism. Now we are going to study how Jainism and Buddhism took place in our history.
The causes of contributing to rise and growth of Jainism and Buddhism can be studies and under. Now first point क्या है बच्चों, कास्ट सिस्टम, जो कास्ट सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा रिजिड हो चुका था, बहुत ही ज्यादा बेकार हो चुका था. लो कास्ट के जो लोग थे वो बहुत ही ज्यादा दुखी थे और उन्हें यजना में परफॉर्म नहीं किए देना जा रहा था. उसके बाद बच्चों आपका सेकेंड पॉइंट है, द वैदिक फिलोसफी हैज लॉट्स, द वैदिक फिलोसफी हैज लॉट्स इज ओरिजिनल प्योरिटी. जो वैदिक फिलोसफी थी उसकी जो ओरिजिनल प्योरिटी थी अब वो वैसी नहीं रह गई, अब वो बस एक किताब का बंडल रह गई थी. द वैदिक रिलीजन हैज डीजनरेटेड इनटू सुपरस्टिशंस, डॉगमास एंड रिचुअल्स. और जो वैदिक रिलीजन थे वो अंधविश्वास में ज्यादातर बढ़ रहे थे. द सैक्रिफाइसेस प्रिस्क्राइब्ड बाय द वेदा हैड बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड. वेदा में जो सैक्रिफाइस दिए गए थे वो अब बहुत ही ज्यादा कठिन हो गए थे, बहुत ही ज्यादा जटिल हो गए थे. द प्रैक्टिस ऑफ एनिमल सैक्रिफाइस इन द यजनास वर क्रिएटिंग हर्डल इन द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर. और यजनास में जो जानवरों की बलि दी जाती थी वो बहुत ही ज्यादा हर्डल क्रिएट कर देते थे. द सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण्स, और ब्राह्मण को सुप्रीम माना जाता था, बाकी सारे कास्ट को उनसे कम माना जाता था, इस वजह से लोगों के मन में बहुत ही ज्यादा दुख हो जाता था, बहुत ही ज्यादा ब्रूटैलिटी उनके मन में आ जाती थी हाई कास्ट को लेके. ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ग्रोथ हुआ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का. सम थिंकर्स स्टार्टेड मेकिंग एफर्ट टू अंडरस्टैंड दीज चेंज एंड फाइंड आउट द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ. Some kings and Mahajanpadas grew more powerful. New cities came into existence. The village life too underwent a change. Now, rise of new ideas. So, in this period, Brahmanism was the dominant religion. The Brahmins conducted all rituals and ceremonies in Sanskrit. So, ब्राह्मण जो है वो बहुत ही ज्यादा डोमिनेटेड थे, वो सारी सर्मनी संस्कृत में करते थे, वो यजना प्रोवाइड करते थे जो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता था और उसका टैक्स कॉमन लोगों से लिया जाता था. कॉजेज ऑफ राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. सो द कास्ट सिस्टम हैव बिकम वेरी रिजिड, ये अभी हमने पढ़ा, इस वजह से चीजें आपकी हुई बच्चों. अब हम देखते हैं बुद्धिज्म. सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म. व्हाट इज द वर्ल्ड बुद्धिज्म? आई होप आप सभी ने गौतम बुद्ध के बारे में जरूर पढ़ा होगा. सो बुद्धिज्म जो है वो वहां से आया है, सिद्धार्थ गौतम एज बुद्धा. सो रियल नेम ऑफ बुद्धा वॉज सिद्धार्थ गौतम. ही वॉज नोन एज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म. ही इज बिलीव टू हैव बीन कंटेम्पररी ऑफ महावीरा. महावीरा के वो कंटेम्पररी थे. मैनी मिरेकल्स एंड लेजेंड्स आर कनेक्टेड विद द बर्थ ऑफ बुद्धा. भिक्षु इज अ प्राकृतिक वर्ड ऑफ रिनाउंसर. ब्रैगर, भिक्षु को ब्रैगर भी कहते हैं. सिद्धार्थ वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी. जो सिद्धार्थ थे वो लुम्बिनी में पैदा हुए थे, जो प्रेजेंट डे जो कि आज का नेपाल है, 1563 BCE में. हिज फादर सुद्धोधना वॉज वन ऑफ द चीफ टेन्स ऑफ द शाक्य क्लैन. उनके जो पिताजी थे सुद्धोधना, वो राजा थे, वो चीफ थे शाक्य क्लैन के, और उनकी मदर का नाम माया देवी था. इट इज बिलीव दैट देयर वॉज अ प्रोफेसी मेड एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ. ऐसा माना जाता है कि उनके जन्म के समय एक भविष्यवाणी हुई थी कि ये जो बच्चा है ये राजा नहीं बनेगा, ये एक बहुत बड़ा साधु बनेगा. टू प्रिवेंट दिस, इस चीज को बचाने के लिए उनके फादर ने एक अलग ही दुनिया बना दी, एक अलग ही राजमहल बना दिया, जहां वो नहीं चाहते थे कि सिद्धार्थ को कुछ भी पता चले कि लोग दुखी भी होते हैं, लोग जो हैं वो उनको चोट भी लगती है, वो परेशान भी होते हैं और वो मरते भी हैं. तो उन्होंने इस तरह का क्राइटेरिया बना रखा था. बट एट द एंड ऑफ द डे सिद्धार्थ को चीजें पता चल गई थी, यहां तक कि उन्होंने उनकी शादी भी यशोधरा से करा दी थी और उनके दो बच्चे थे महामाया एंड राहुल. यहां तक कि उनके बेटा भी हो गया जिसका नाम राहुल रखा गया. लेकिन एक दिन क्या हुआ, वन डे सिद्धार्थ रोड आउट. लेकिन एक दिन सिद्धार्थ जो है वो महल के बाहर गया और उसने क्या देखा, उसने देखा एक पार्क देखा जहां से उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई. उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो लकड़ी के सहारे चल रहा था, जो एकदम मरने के कगार पे था. ही वॉज डीपली सैडन. और ये देख के वो बहुत ही ज्यादा दुख हो गया कि लोग जो है उनकी मृत्यु भी हो जाती है, जीवन जो है वो इतना खुशियों से भरा नहीं है. और उसने बात उसने एक देखा, एसेटिक वॉज स्ट्रक बाय द पीस ऑफ मैन फेस. द प्रिंस डिसाइडेड टू लीव हिज फैमिली. और उसी वक्त उसने तय किया कि वो सत्य की खोज में अपने पूरे परिवार को छोड़ देगा. और 29 इयर्स ओल्ड जब वो थे तो उन्होंने अपने परिवार को त्याग कर दिया और वो इधर से उधर वो अपनी लाइफ में जाने लगे. बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सर्मन. उन्होंने अपना पहला सर्मन, अपना पहला प्रवचन उन्होंने कहा दिया, उन्होंने डियर पार्क सारनाथ में दिया जो कि वाराणसी के पास है.
और उनकी टीचिंग्स क्या थी, लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, जीवन जो है वो दुखों से भरा हुआ है, दुख का कारण है हमारी इच्छाएं जो कि अनंत है, द कॉज ऑफ दिस इज डिजायर, गेटिंग रिड ऑफ डिजायर एंड वॉन्ट्स विल लीड टू पीस। और अगर हम इन इच्छाओं को ही छोड़ देने, इतनी इच्छा ना करें तो हमारा जीवन जो है वो कभी हम दुखी ही नहीं होंगे। हमें इतनी भी ज्यादा डिजायर नहीं करनी चाहिए कि हमारे पास ये हो ये हो ये हो, हमारे पास जो है हमें पीसफुल अपनी लाइफ जीनी चाहिए, ऐसी उनकी टीचिंग है। एट गया ही सैट अंडर अ पीपल ट्री, सैंक इनटू अ डीप मेडिटेशन फॉर 49 डेज अराउंड द ईयर 528 BC, सिद्धार्थ अटेन एनलाइटमेंट, और उनको वहां एनलाइटमेंट हुई, ही वॉज 35 की उम्र में उनको एनलाइटमेंट प्राप्त हुई, और उसके बाद उनको कहा जाने लगा बुद्धा द एनलाइटमेंट वन, द मेन टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म की मेन टीचिंग को हम पढ़ते हैं, द टीचिंग ऑफ बुद्धा इज बेस्ड ऑन हिज फोर नॉबल ट्रुथ, द फर्स्ट ट्रुथ इज दैट लाइफ इज फुल ऑफ सोरो, द सेकेंड नॉबल ट्रुथ इज दैट The cause of sorrow is desire, which can never be fulfilled. Buddha called it thirst or tanha. The third noble truth is that all sufferings can be removed by the ending of all desire. अगर हम अपनी इच्छाओं को समाप्त कर देंगे तो हमारी सफरिंग भी जो है वो समाप्त हो जाएगी. The fourth noble truth is follow the eightfold path to remove all sufferings. और eightfold path को हमें follow करना चाहिए ताकि हमें कभी भी किसी प्रकार की दुख या समस्याओं का समाधान ना करना पड़ सॉरी सामना ना करना पड़ सके. तो वो एट फोर पाथ है बच्चों, राइट नॉलेज यानी कि सही ज्ञान, राइट पर्पस सही लक्ष्य, राइट स्पीच सही बोली, राइट एक्शन सही कार्य, राइट लिविंग सही तरह से जीना, राइट एफर्ट सही प्रयास, राइट थिंकिंग सही सोच, और राइट मेडिटेशन यानी कि सही तरह से मेडिटेशन करना. द बुद्धा एडवोकेट अहिंसा, बुद्धा भी अहिंसा को एडवोकेट करते थे. आई होप यू रिमेंबर देयर इज वन पर्सन हु ऑल्सो एडवोकेट ऑफ अहिंसा, दैट वॉज महात्मा गांधी. He was against the killing of animal. He was against the caste system. वो जानवरों के मारने के खिलाफ थे, वो caste system के खिलाफ थे, और वो ऐसा considered करते थे कि we all are equal. सभी इंसान जो है वो बराबर हैं. Buddhism spread to many parts of India, subcontinent. It also spread to South, East and Central Asia. It became quite popular in China, Japan, Korea, Sri Lanka, Thailand and Cambodia. Now let us read inside. In early Buddhist art, such as those found in the panels of Sanchi stoop, Buddha is depicted. My dear students, आप कभी भी जाइए Sanchi stoop देखिए तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो गौतम बुद्ध से related होंगी, और उनकी जो art है सच, जो उनके ideas हैं जो panels of Sanchi में, वो अच्छे से depicted हैं. Two sects of Buddhism. So Buddhism has two sects. Mahayana and Hinayana. So Mahayana, ऐसे लोग होते थे जो the former started worshipping Buddha as a god and spread the salvation in open to all, not merely to the nun and monk. The Hinayana sects ऐसे करते थे, the salvation can be achieved by an individual by observing the eightfold path directly. Then we have Jainism. According to Jain tradition, अब हम Jainism के बारे में पढ़ेंगे, जो कि वर्धमान महावीर ने start किया था. So इनका मानना ये था कि religion whose prophets और Tirthankars have revealed the truth to mankind at regular intervals. तो जो Tirthankars थे, उन्होंने सच्चाई को reveal किया था मनुष्य के सामने, और जो 24 Tirthankar of Jain religion थे, वो वर्धमान महावीर थे. इनका considered किया जाता था, ये founder of this religion है. इन्होंने इस message को 2500 years ago, यानी कि 2500 साल पहले ही वो किया. वो क्या थे, वो क्षत्रिय थे, वो प्रिंस ऑफ लिचावी ग्रुप्स के थे, और जो वज्जी साधना का पार्ट था, एट द एज ऑफ 30 इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, और 12 इयर्स ही हेल्ड हार्ड एंड लोनली लाइफ, और 12 साल उन्होंने बहुत ही कठिन जीवन बिताया, और उसके बाद उनको एनलाइटमेंट प्राप्त हुई. इनसाइड जैन मॉन्क्स टेक नॉन वायलेंस वेरी सीरियसली. They usually carry feather dusters to brush ants. जो जैन है वो बिल्कुल नॉन वायलेंस के खिलाफ है. अगर वो जमीन पे भी चलते हैं बच्चों,
तो वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि उनसे कोई भी जीव जंतु जिनकी डेथ ना हो, वो हमेशा एक फेदर डस्टर दिए जाते हैं ताकि एंट्स और इंसेक्ट्स को वो हटा सके। दे ऑल्सो कवर देयर माउथ विद अ पीस ऑफ व्हाइट क्लोथ, और अपनी माउथ को वो व्हाइट क्लोथ से कवर किए रहते हैं ताकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स उनके मुंह में ना चली जाए। द मेन टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म, सो हेयर आर द फाइव मेन टीचिंग्स, अहिंसा और एब्सोल्यूट नॉन वायलेंस इवन टुवर्ड्स एनिमल इंसेक्ट बर्ड्स एंड प्लांट। नेक्स्ट, ऑनेस्टी, काइंडनेस, ट्रुथफुलनेस, नॉट कन्विक्टिंग और डिजायरिंग थिंग्स बिलोंगिंग टू अदर्स। महावीरा सैड, ऑल बींग्स लॉन्ग टू लिव, टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर। फॉलोअर्स ऑफ महावीरा हु वर नोन एज जैन्स, जो महावीरा को फॉलो करते हैं, उन्हें हम जैन्स बोलते हैं, और दे मस्ट सेलिब्रेट, सी मैन हैव टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स। The three main doctrines, तीन main doctrines हैं, right faith, right knowledge and right action. Jainism spread to many parts of India. कौन कौन से parts हैं? Karnataka, Orissa, Tamil Nadu, Malwa, Gujarat and Rajasthan. It became more popular in trading community. Trading community में बहुत ही ज्यादा जैन जो है वो popular हो गए. Farmers found it difficult to follow the rules of Ahimsa because they had to kill insect to protect their crops. तो farmers जो है वो इस जैन को ज्यादा नहीं फॉलो कर पाए क्योंकि उन्हें अपनी क्रॉप को बचाने के लिए इंसेक्ट को मारना ही पड़ता। ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स बिकॉज दे यूज प्राकृतिक। नाउ हियर वी हैव अगेन टू सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म, श्वेतांबरम एंड दिगांबरम, दिगांबरम। सो श्वेतांबरम ऐसे लोग होते थे जो कि क्लोथ्स पहनते थे व्हाइट कलर का, लेकिन दिगांबरम ऐसे लोग होते थे, श्वेतांबरम ऐसे लोग होते थे जैन सेक्ट्स में जो कि कपड़ा पहनते थे श्वेत यानी सफेद रंग का, और दूसरे आपके होते थे दिगांबरम जो कि दिगांबर्स होते थे जो कि बिना कपड़ों के रहते थे। सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, क्या सिमिलैरिटी है क्या डिफरेंस है? बोथ बुद्ध एंड महावीरा यूज द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल, दोनों ने ही कॉमन पीपल की लैंग्वेज में ही अपनी जो नॉलेज को अपनी टीचिंग्स को आगे बढ़ाया है। दोनों ही डिस्करेज करते हैं रिचुअल्स एंड एनिमल सेक्रीफाइस को, और दोनों ही कंपैशन एंड टॉलरेंस टूवर्ड्स अदर लिविंग बींग्स को बढ़ावा देते हैं। डिफरेंस ये है, द आइडिया ऑफ मिडिल पाथ इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बुद्धिज्म बट नॉट फॉर एग्जिस्टेंस जैनिज्म। इन्फ्लुएंस ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, इनका इन्फ्लुएंस क्या हुआ? द संघ। बोथ महावीरा एंड बुद्धा बिलीव दैट ट्रू नॉलेज कुड बी गेन ओनली बाय दोज हु लीव्स देयर होम्स। उनका मानना था कि जब हम अपने घर को छोड़ के आगे बढ़ेंगे तभी हम कुछ नई जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। एग्रीमेंट वर मेड फ्रॉम देम टू स्टे टुगेदर इन संघास, इट वॉज लाइक एन एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेव देयर होम्स। द रूल्स मेड बाय बुद्धिस्ट संघास आर फाउंड इन द बुक विनय पताका। सो जो विनय पताका है उसमें रूल्स बने हैं जो बुद्धिस्ट संघ जो उनको फॉलो करने रहते हैं। ऑल मैन को ज्वाइन द संघा, सभी आदमी जो है संघा को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन चिल्ड्रन जो है परमिटेड बाय देयर पेरेंट्स एंड स्लेव्स बाय देयर ओनर्स, वुमेन हैव टू टेक देयर हस्बैंड्स परमिशन। नाउ वी हैव मोनेस्ट्रीज, as you can see one monastery's picture is given to you, Jainism and Buddhism monks wander from place to place for their holier teaching people. They stayed at one place only during the rainy seasons and it was very difficult to travel. Their supporter at times built temporary shelters, so temporary shelters garden mein ban jate the taki wo aaram se wahan stay karke apne pravachan ko de paaye, apne preaching kar paaye, apne knowledge ko aage logo tak convey kar paaye. Isiliye gradually supporters of the monks and nun agreed for more permanent shelters and leading construction of monasteries. These are called viharas. Next we have some case study, Ang Bihar or Magar. Then we have the Ganga Sanghas. So case study, you have to read it and learn it by your own self. Okay my dear learners, so we have completed this chapter. I'll be seeing you in your next social studies class. Till then, take care of yourself. Thank you so much. Bye-bye.